नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। भारत और अमेरिका के बीच में डील हुई, लेकिन ट्रेड डील नहीं हो पाई। वो जो हुई डिफेंस डील हुई, $3 बिलियन की डिफेंस डील बताई जा रही है, जिसमें कि अपाचे और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर सहित दुनिया के बेहतरीन उन्नत किस्म के जो है सैन्य उपकरण शामिल है। जो भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने ज्वाइंट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उसमें बताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो खास बात कही वो ये कही है कि कंप्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में हो रहा है। और जो ट्रंप ने जोर दिया है, ड्रग तस्करी, नार्को आतंकवाद, संगठित अपराध जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए इस पर भारत का भी जोर रहेगा। स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप पहले से जो हुई पड़ी है वो ऑलरेडी मजबूत हो रही है डे बाय डे। तेल गैस के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया है। आपको पता ही है कि भारत जो है 80% से ज़्यादा तेल आयात करता है, और ऐसे में जब भी खाड़ी देशों में कोई दिक्कत होती है तो सांसें टंग जाती है कि फिर तो अब तेल में आग लगने वाली है। तो इस दिशा में अमेरिका एक महत्वपूर्ण स्रोत बना है। लेकिन जो आम आदमी के जेहन में एक सवाल उभरता है कि आखिरकार अमेरिका और भारत जब दो दिवसीय यात्रा पर डोनाल्ड ट्रंप आए, इस तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ, और ऐसी यात्राओं के लिए महीने से तैयारी चल रही होती है, कि ट्रेड डील क्यों नहीं हुई, क्या दिक्कत है? तो आपको याद होगा कि भारत का इसी पिछले साल जून में अमेरिका ने GSP का दर्जा, यानी कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफ्रेंसेज का दर्जा ख़त्म कर दिया था। और उसकी शिकायत ये थी कि उसके जो उत्पाद है उस पर भारत जो है हैवी टैक्स लगाता है, इसकी वजह से अमेरिका को नुकसान होता है। और उसी के रिएक्शन में उसने ऐसा किया था। इसका नतीजा ये हुआ था कि $570 करोड़ के एक्सपोर्ट पे असर पड़ा था, और उसके जद में, यानी कि जो प्रिफ्रेंस देने का दर्जा था GSP का, उसके जद में जो है 2000 प्रोडक्ट्स जो है आ गए थे, और इसे ऑटो टेक्सटाइल पर खासा असर पड़ा था। तो वही GSP दर्जा फिर से बहाल करने की बात है। और GSP क्या होता है, क्यों अमेरिका ने ऐसा किया? तो दरअसल ऐसा है कि अमेरिका की अपनी ऐसी प्रणाली है जिसमें ये तय किया जाता है कि किस देश को व्यापार में कितना तरजीह देना है। उसी में, चूंकि भारत विकासशील देश है, इसलिए उसने भारत को तरजीह दिया हुआ था। और इसके तहत जो दर्जा, इस दर्जे में जो आते हैं उसके हजारों सामान बिना किसी शुल्क के अमेरिका में निर्यात करने की छूट होती है। भारत को 2017 में GSP का लाभ मिला था, यानी कि इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था, और उस साल भारत ने अमेरिका को $5.7 अरब का निर्यात किया था। GSP ट्रेड प्रोग्राम को विकासशील देश के 4800 उत्पादों तक को इसमें छूट मिली हुई थी। GSP को 1974 के ट्रेड एक्ट के तहत 1 जनवरी 1976 से लागू किया गया था। दरअसल जब ट्रेड की बारी आती है तो अमेरिका जो है, अभी आप सुने होंगे कि जब राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने विकासशील देशों की जो सूची होती है उससे भारत का नाम हटाने की बात कही थी, कि भारत जो है उस श्रेणी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसमें आपको प्रिफ्रेंस देना पड़ेगा, फिर टैक्स में रियायत देनी पड़ेगी। तो जब वो कल वहाँ मोटेरा स्टेडियम में बोल रहे थे अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप, तब उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक हार्ड डील करने वाला व्यक्ति बताया था, जो कि बिजनेस वगैरह में, चूंकि गुजराती बिजनेस माइंडेड माने जाते हैं, उस नाते भी ट्रंप पहले भी बोलते रहे कि बहुत वो सख्त बार्गेनिंग करते हैं, और ऐसा है भी, मोदी जी अपने हिसाब से बार्गेनिंग करते हैं। तो ये सवाल उभर रहा कि आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई क्यों नहीं, क्यों पहले ही ट्रंप ने ये भूमिका बनानी शुरू कर दी थी और भारत ने भी भूमिका बनानी शुरू कर दी थी कि अभी ट्रेड डील नहीं होगी, अभी उसकी शुरुआत होगी और ये डिफेंस डील जो है होगी, और इसमें $3 बिलियन की डील हो भी गई। तो दरअसल इसके पीछे जो पूरी कहानी है, देखिए होता क्या है, दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों जगह पे जो चुनाव होता है वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता करती है, और यहाँ पे जो है चुनाव होता है वो लोकसभा का चुनाव होता है, और चुन के आने के बाद जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है, वो सदस्य जो है चुनते हैं जिसको भी बहुमत मिलता है वो। तो दोनों देश जो है सियासत से प्रभावित हैं, और ट्रेड डील करने में अमेरिका को ये दिक्कत आ रही है कि इस साल के अंत में नवंबर दिसंबर में वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव है। अब स्वाभाविक सी बात है कि दोनों देश जब डील के लिए बैठेंगे तो गिव एंड टेक के आधार पर ही व्यापार होता है, और उस गिव एंड टेक के जब बात होगी तो अमेरिका को भी भारत को कुछ ना कुछ रियायत देनी पड़ेगी, और कुछ ना कुछ से बात नहीं बनने वाली है। वो विकासशील देशों की सूची से आप अपने हिसाब से बेशक नाम हटा दें, उससे भारत अभी विकसित देश नहीं बन जाएगा। तो वही देने के चक्कर में ऐसा लग रहा है अमेरिका को कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव में इसका नुकसान हो जाए, इधर आप रियायत देने की घोषणा करें और उधर लोग जो है इसको बुरा माने तो
तो उसका कोई आपको नुकसान हो जाए। इसीलिए जो ट्रंप हैं और मोदी दोनों ने ये बात कहा कि ट्रेड डील को लेकर के बातचीत शुरू हो गई है और जब भी होगी बहुत बड़ी डील होगी। तो जब भी होगी से मतलब जैसे ही अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होगा तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप दोबारा भी राष्ट्रपति बनेंगे, तो उसके लिए डील को छोड़ा जा रहा है कि इसका कोई निगेटिव असर वहाँ के चुनाव पर ना पड़े, ये माना जा रहा है कारण। अब हुआ क्या है इस बीच में कि भारत का चीन के साथ जो है बहुत जबरदस्त जो है ट्रेड होता है और इधर अमेरिका के साथ होता है, तो भारत और अमेरिका में जो नज़दीकी बढ़ी है उसका नतीजा ये हुआ है कि भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ गया है और चीन के साथ घटने लगा है, जो चीन के माथे पे चिंता की लकीरें खींच रहा है, चिंता इसको लेकर के परेशान है। तो वाणिज्य मंत्रालय ने जो आंकड़े बताए हैं उसके मुताबिक 2018-19 में भारत और अमेरिका में जो है 87.95 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था और इस दौरान भारत का चीन के साथ 87.07 यानी थोड़ा सा कम। और 19-20 में क्या हुआ कि अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत और अमेरिका में 68 अरब डॉलर का, जबकि भारत और चीन के बीच में जो व्यापार हुआ वो हुआ 64.96। यानी कि आप ये देखेंगे दोनों आंकड़े ये बता रहे हैं कि चीन के साथ घट रहा है और अमेरिका के साथ भारत का व्यापार बढ़ रहा है। अब विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि यदि दोनों देशों में मुक्त व्यापार समझौता यानी कि भारत और अमेरिका में FTA कर लेते हैं दोनों देश, तो फिर व्यापार एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगा, जो कि दोनों देश करना चाहते हैं। अब वो कब क्यों कैसे होगा वो देखने वाली बात होगी। और PTI कह रही है, PTI एजेंसी के हवाले से खबर है कि भारतीय निर्यात संगठन महासंघ के महानिदेशक अजय सहाय कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ FTA भारत के लिए बेहद फायदेमंद होगा क्योंकि अमेरिका भारतीय माल एवं सेवाओं का सबसे बड़ा बाजार है। अमेरिका के साथ भारत का आयात निर्यात दोनों बढ़ रहा है और चीन के साथ ये दोनों घट रहा है, तो ये स्थिति है। तो अब अमेरिका उन चुनिंदा देशों में से है जिसके साथ व्यापार संतुलन जो है क्या होता है कि मान लीजिए कि आप निर्यात भारत जो है चीन से आयात ज़्यादा कर रहा है निर्यात कम कर रहा है, तो उसका जो है व्यापार घाटा चीन के साथ जब भी तुलना करेंगे तो बढ़ा हुआ दिखेगा। और अमेरिका के साथ भारत का प्लस क्या है कि यहाँ पर निर्यात ज़्यादा है आयात कम है, इसलिए भारत फायदे में है। तो अमेरिका के साथ भारत का जो इस तरीके का आप देखेंगे निकाल करके, तो वर्ष 2018-19 में भारत का चीन के साथ जहां 53.56 अरब डॉलर का व्यापार घाटा रहा था, वहीं अमेरिका के साथ जो है 16.85 अरब डॉलर व्यापार लाभ की स्थिति थी, यानी कि भारत फायदे में था। और ये जो है 2013-14 से लेकर के 2017-18 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार रहा, चीन से पहले ये दर्जा संयुक्त अरब अमीरात को हासिल था। यानी कि अब धीरे धीरे जो चीन के साथ बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ गया था वो अमेरिका की तरफ झुक रहा है और अमेरिका के साथ व्यापार करने में भारत को फायदा ये हो रहा है कि वो लाभ की स्थिति में है, जबकि चीन को जो है के साथ व्यापार बढ़ाने में वो घाटे की स्थिति में है, क्योंकि अब जब आप जो है आयात ज़्यादा करेंगे निर्यात कम करेंगे तो यही होगा। तो ट्रेड डील ना होने के पीछे यही वजह मानी जा रही है। भारत की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत अमेरिका की तरफ से है क्योंकि वहाँ पे इस साल के अंत में राष्ट्रपति का चुनाव है और संभवतः इसी के मद्देनज़र ये तय हुआ कि दोनों देश बातचीत करते रहेंगे, उसका बैकग्राउंड बनाते रहेंगे, क्योंकि अमेरिका को भी कई चीज़ों पर ऑब्जेक्शन है कि भारत में हमारे इन प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। और अब भारत को ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, भारत को ये है कि जो GSP का उसका दर्जा था वो मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे निर्यात का मौका मिलना चाहिए। तो दोनों देश कमोबेश इस पे राजी है, बस बार्गेनिंग और समय का इंतजार है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।